इनको बधाई दीजिए और अब हम कामना ही कीजिए, जीते, हम और ही गुड़िया बधाई जी दीजिए को कि ज्यादा हम बधाई दीजिएगा, बुआ बन गए। बुआ बन गए और हम फूफा जी बन गए, मदर बन गए। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। इस ब्लॉग को दोस्तों अभी से स्टार्ट कर दिए हैं और दोस्तों कुछ दिन से ना कंटिन्यू ब्लॉग नहीं आ पा रहे, उसके लिए सॉरी, किसी रीजन की वजह से दोस्तों हम लोग डेली मतलब ब्लॉग नहीं दे पा रहे। लेकिन दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अब डेली ब्लॉग आएंगे, और बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सुनील भाई आप घर कब जाएंगे, तो बहुत ही जल्दी जाएंगे। और दोस्तों और आज दोस्तों खुशी की बात है, आप लोग इसके थंबनेल देख लिए होंगे और समझ लिए होंगे, तो दोस्तों आज गुड़िया जी बुआ जी बन गए हैं और हम फूफा जी बन गए हैं। और जैसे कि आप लोग देखते थे गुड़िया जी को भाभी को मतलब प्रेगनेंट थे वो, और बहुत लोग कमेंट भी करते थे कि उनका बेबी कब होगा, तो फाइनली उनका बेबी हो गया है। और अभी देखिए सुबह सुबह गुड़िया जी अपने चूल्हे की निपाई पुताई कर रहे हैं खाना बनाने के लिए। हाँ, वो लोग हैं जो हॉस्पिटल में है, भाभी जी है, मम्मी जी और दादी जी, ये सब है हॉस्पिटल में। बोले फोन करके पूछे तो बोले कि 10 बजे तक आएंगे और उनको नॉर्मल ही डिलीवरी हो तो गया। बहुत लोगों को थोड़ा सा टिप्स भी शेयर करेंगे नॉर्मल कैसे हुआ, इनको गुड़िया जी को हुआ है जो कि ऑपरेशन से हुआ, इस वजह से थोड़ा सा जानकारी आप सभी को देंगे। तो दोस्तों आप लोग इस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। दोस्तों दो चूल्हे पर गुड़िया जी आँच को चला दिए हैं, और देखिए यहाँ पे, और गुड़िया जी को आज ज़्यादा काम करने पड़ रहे हैं क्योंकि इनके भाभी जी नहीं है ना, तो इस चलते तो हम भी साथ दे रहे हैं खाना बनाने में। से भी लगा देते अच्छे से, क्योंकि मम्मी या भाई तो है नहीं, तो हमें खाना बनाना पड़ेगा। हाँ, जितना दिन रहेंगे उतना दिन हम ही को गुड़िया जी को ही करना पड़ेगा। तो ज़्यादा दिन हम लोग अब नहीं रहेंगे दोस्तों, बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कि कब तक रहेंगे, तो ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, अब हम लोग निकलेंगे बहुत ही जल्द। तो गुड़िया जी चले गए हैं मसाला पीसने के लिए, तो अभी ना हम थोड़ा सा सब्जी को भून दे रहे हैं और गुड़िया जी आएंगे तो खाना बना लेंगे फिर अच्छे से। और इधर देखिए दाल भी घाटने हैं मेरे को, तो अभी सब्जी भूनना ज़रूरी है, नहीं तो सब्जी जल जाएंगे तो गुड़िया जी आएंगे तो मेरे को बोलेंगे, और वो लोग आएंगे मम्मी जी अस्पताल से तो वो लोग खाएंगे अच्छे से। तो चलिए क्या करें, ससुराल में भी रह करके ये सब काम करना पड़ता है, और लोग नहीं रहेंगे तो क्या करना पड़ेगा। देखिए पापड़ है जो भून दिए हैं, ये देख सकते हैं, इसे भी भून करके निकाल दिए हैं। और खाना बनाते बनाते मेरा गर्मी से एकदम हालत ख़राब हो गया दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मी ऐसे पड़ रहा है। और उसके बाद चूल्हे पर दो गो, देखिए यहाँ पे दो गो चूल्हा है ना, दोनों तरफ देखना पर। तो आज दोस्तों चना की दाल बन रहा है और सब्जी, और यहाँ पर देख सकते हैं जो पापड़ है वो भुना गए हैं, बहुत धुआं भी लग रहे हैं दोस्तों। कोई बात नहीं, ससुराल में आकर के इतना सारा काम करना पड़ता है, कभी कभी ऐसे तो बहुत सारा काम कर देते हैं दोस्तों। तो गुड़िया जी आ गए बहुत देर के बाद, और देखिए चढ़ा कर चले गए थे और इनको बोले थे कि लेट होगा आने में, तो पापड़ और सब्जी आप भूनिएगा तब तक। भून दिए ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, बहुत दिन के बाद खाना पर इस तरह बना रहे हैं ना। ऐसे वहाँ रहते थे दोस्तों तो हम बहुत ज़्यादा साथ देते थे, लेकिन यहाँ पर उतना नहीं दे पाते हैं खाना बनाने में, क्योंकि इनके भाभी जी और ये मिल करके या मम्मी जी मिल करके खाना बना लेते हैं यहाँ पे। तो आज वो लोग गए हॉस्पिटल में तो हम ही लोग को खाना बनाना पड़ रहा है, और विराट और चीकू जो बाहर गई हुई है उनको लेकर चले गए मामा जी उनको खिलाने के लिए, वो लोग खेल रहे हैं। बरस कीजिए आप, हम सब बरस कर लेते हैं, उसके बाद हम खाना खा लेंगे। दोस्तों हम खाना है जो कि बना लिए हैं, ये देखिए चूल्हा खाली हो गया और चीकू के पापा जी बरस कर रहे हैं और उधर मेरी भाभी जी आ गए हैं, ये देखिए सब लोग आ गए हैं, आप सबको अच्छे से दिखाएंगे, अभी हम उनको अंदर लाते हैं। तो भाभी जी आ चुके हैं घर में, तो अभी स्नान करा रहे हैं मम्मी जी, तो अभी स्नान कर लिए हैं, तब तक हम अंदर रूम में बिछौना है जो कि लगा दे रहे हैं, बहुत मस्त तरीके से लगाइए क्योंकि नए न्यू बेबी का स्वागत हो रहे हैं इस घर में, और नहीं तो इनका 4 ठो भाई है ना। हाँ, और हम बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि हम 1 ठो अकेले थे और, हाँ, और आ गई तो भतीजी हो गए, भतीजी और बुआ जी हो गए, गुड़िया जी चटाई है जो कि बिछा दिए हैं, और ये वाश करके पहले से गुड़िया जी रखे हुए थे, इनको पता था कि एक मतलब 2-3 दिन में बेबी आने वाला है इस चलते, और गुड़िया जी पैसा लेने के फेरा में लगे हुए हैं अपने भाई से है ना। इसीलिए क्या रुके हुए थे यार। नहीं नहीं वही बात है लग रहा है कि, तो दोस्तों यहाँ पे अच्छे से बिछा दे रहे हैं और नए बेबी का स्वागत कर रहे हैं गुड़िया जी, लेकर के आइए उनको भी लेकर के आइए। अभी इसे ना गोद में उठा लिए हैं और ज्यादा भारी नहीं है, बहुत हल्की है, 2 केजी की है,
बहुत छोटा सा और गुड़िया जी दोस्तों सुबह से ही जब से सुने है ना कि मेरा जो कि भतीजी आई है बहुत ज्यादा खुश है। गुड़िया जी तमन्ना कर रहे थे बुन्नी नी है हम बोले कि विराट विराट को भूल गया ना। हाँ विराट को बोल रहा है कि ये तुम्हारा नहीं है, हम बुन्नी है। तो चलिए अब दोस्तों अभी इसे ना अंदर लेकर जाते हैं। हाँ। तो चलिए वो भी है जो कि निहाली है गुड़िया जी के भाभी जी अंदर लेकर आएंगे। बहुत ज्यादा हैप्पी फील हो रहा है मेरे को भी, आखिर मैं फूफा जी बन ही गई है और बुआ जी बन गए, उनको बुलाइए चीकू बारी दीदी बन गए। हाँ हैप्पी बर्थडे, आज ही हैप्पी बर्थडे मनाओगे। चीकू जान रही है कि जन्म हुआ है तो जन्मदिन को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, इसलिए हैप्पी बर्थडे बोल रही है। अगला साल मनाना है हैप्पी बर्थडे है ना, तो अभी से सुला देते हैं नहीं तो और फैन भी चालू कर देते दोस्तों, ये वाला फैन है खोजेगी। हाँ गोद में ले ले रहे और दोस्तों तो इसका फेस रिवील कर देंगे आज ही इसी वीडियो में। और दोस्तों ये नॉर्मल हुई है और कुछ टिप्स भी शेयर करेंगे जो कि हमारे सिस्टर को लोगों को काम आएंगे है ना, और बहुत लोगों को शादी होंगे आगे चल करके तो काम आएंगे। तो चलिए अभी फैन हम चला देते हैं, देखिए यहाँ टोक्का सिस्टम बनाए हुए हैं अच्छे से, बार बार हम करके जाते हैं और ये खराब कर देते हैं। पार दीजिए दोस्तों, गुड़िया जी यहाँ पर अपने भतीजी के लिए कपड़े निकाल रहे हैं, विराट वाला और छोटा छोटा हो गया जो अभी नया ना पहनाएंगे जब बिसौरीपुर जाएंगे। हाँ 20 रोज के बाद जो कि नया कपड़ा पहनाने का जो कि रिवाज है ना। हाँ तो ये चलते, तो अभी देखिए विराट वाला ही खोज रहे हैं गुड़िया जी, वही पहनाएंगे छोटा वाला। ये देखिए यहाँ पे, तो अभी दोस्तों गुड़िया जी अपनी भतीजी को कपड़ा चेंज करके सुला दी है और देखिए गुड़िया जी के भाभी जी यहाँ पे बैठे हुए हैं और इनका दोस्तों नॉर्मल डिलीवरी हुआ, क्योंकि बहुत लोग हमारे यूट्यूब फैमिली है सिस्टर लोग ब्रदर लोग जो मतलब पूछ सकते हैं कि इनका नॉर्मल डिलीवरी हुआ है या ऑपरेशन से हुआ है। तो आप सभी को सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ कि इनका नॉर्मल डिलीवरी हुआ है और गुड़िया जी को हुआ है जो ऑपरेशन से हुआ है। तो इनका दोस्तों नॉर्मल डिलीवरी क्यों हुआ है, मतलब क्या मतलब जिसके वजह से हुआ है, और बहुत लोग चाहते हैं कि हमारा नॉर्मल डिलीवरी हो क्योंकि ऑपरेशन में बहुत परेशानी होती है, डर अलग रहता है। हाँ मतलब जब ऑपरेशन होता है ना तो दिल धक 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 करते रहता है। गुड़िया जी के जब भी ऑपरेशन हुआ है दो बार ना मेरा दम मतलब माथा दम हाथ में नहीं रहता, बहुत डर लगते हैं क्योंकि ऑपरेशन समझ सकते हैं पेट को चिराना, और नॉर्मल डिलीवरी में मतलब अच्छी बात रहती है कि चलो नॉर्मल से हो गया। और दोस्तों बेबी का फेस रिवील आज ही कर देंगे और मतलब कैसी है दम, अपने माता जी की जैसी दम प्यारी है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि गुड़िया, हाँ गुड़िया जी जैसा यानी कि बुआ जी पर गए हैं पतली दुबली, और आप सभी को दिखाएंगे। और उससे पहले दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जो लोग सिस्टर लोग हैं जो जिनका शादी हो गया या होंगे तो नॉर्मल डिलीवरी मतलब होने का ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप काम काज कीजिए और ज्यादा मतलब खान पान पर ध्यान दीजिए और ज्यादा टहलने की फेरा में रहिए, बहुत लोग आलसी हो जाते हैं ना गुड़िया जी। गुड़िया जी जब से आए हैं ना इनको मतलब ज्यादा काम करवाते थे और खुद भी करते थे और ज्यादा काम थोड़ा बहुत ही हेल्प कर देते थे कोई काम को, कपड़ा उपड़ा जाना रहता नदी खींचने के लिए तो गुड़िया जी और इनको साथ में लेकर के जाते थे ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो, और पूरा घर का निपाई पोताई वाला काम करवाते थे इन्हीं से करवाते थे है ना जी। और ये अभी देखिए और ये अभी मतलब अच्छे है, मतलब ये बोल सकते हैं। हाँ बहुत ज्यादा स्वस्थ है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं नहीं है, बोल सकते हैं। ऑपरेशन से होता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत बहुत ज्यादा, जैसे कि गुड़िया को आप लोग देखे होंगे गुड़िया जी को ऐसे मतलब हो जाते हैं। मेरी भी चीकू नॉर्मल हो जाती, लेकिन चीकू जब पेट में उल्टा थी और उसका पैर और हाथ के भरे वो बाहर आ रही थी, इसी वजह से डॉक्टर बोले कि ऑपरेट करके निकालना पड़ेगा, बच्चा को ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा, जिसके कारण से गुड़िया जी का ऑपरेशन हुआ और इनका नॉर्मल हो गया। मतलब तो यही रीजन थी, तो आप लोग जो लोग प्रेग्नेंट हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा काम करें और खान पान पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए और ज्यादा टहलने की कोशिश कीजिए, नॉर्मल डिलीवरी मतलब ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। बाकी ऑपरेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत होते हैं, कभी नहीं मतलब हम बोलेंगे कि किन्हीं का हो मतलब ऑपरेशन नॉर्मल से हो जाए तो बहुत खुशी मिलेगी। तो चलिए अब तो ये बात हो गई, अब दोस्तों आप सभी को गुड़िया जी का भतीजी का फेस दिखाते हैं और क्या ही बताऊं। और दोस्तों जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर हमारा पूरा होने वाला, यानी कि 1 लाख यूट्यूब फैमिली हमारा होने वाला है। तो कृपया जो लोग नहीं किए तो वो लोग कर लीजिए है ना। तो ये सोई हुई है इसे ना अभी हम गोद में ले करके और गुड़िया जी दिखाएंगे और फेस दिखाएंगे और इनका भी फेस मिलाइएगा इनके जैसा है कि गुड़िया जी के जैसा है। तो दोस्तों आप सभी को दिखाते हैं, ये देखिए एकदम
प्यारी सी, प्यारी सी है आप लोगों को दिखा। हाँ। पतला पतला हाथ है मेरे ही जैसा है दिखिए। हाँ। और उंगली भी लम्बा लम्बा मेरे ही जैसा है। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि कैसी बेबी है। हाँ। ये तो मेरे को बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है, विराट के जैसा दिख रही है। हाँ, हल्का हल्का दिख रही है विराट के जैसा। विराट जब जन्म लिया था इस दिन, उस दिन ऐसा ही दिखता था विराट भी। और इसका ज्यादा वेट नहीं है दोस्तों, इसका वेट है 1 kg 900 ग्राम। हाँ, 100 ग्राम कम। हाँ, 2 kg में 100 ग्राम कम है दोस्तों। दो केजी में 100 ग्राम कम ना है। और ज्यादा खान पान पे ध्यान उतना नहीं दिए हैं फिर भी, बट मतलब अच्छे हैं। लेकिन दूध उध लिया करते थे और जो भी डॉक्टर और मदर हॉर्लिक्स पीते थे। हाँ, हाँ, और फल उल बहुत कम खाते थे और बाकी जो होता है नॉर्मली खाना वो खा रहे थे। और देख ले सकते हैं आप लोग बेबी का जो कि फेस कितना ज्यादा ग्लो है। और आप लोग नाम बताइए, नाम आप लोग रखिएगा कि कौन सा नाम हम लोग। हाँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा नाम अच्छा रहेंगे। और आज ही के दिन इनका जन्म हुआ है, आज के तारीख 11 गए थे हॉस्पिटल में, साथ में हम गए थे हॉस्पिटल में, रात में रह करके वहाँ से 2 बजे हुई थी, 2 बजे के करीब हुई है। तो आप लोग दोस्तों देख लिए बेबी का फेस। तो आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताइए कि कैसी है। और आप लोग इनको बधाई दीजिए और कामना कीजिए, और गुड़िया जी को ज्यादा बधाई दीजिएगा, बुआ बन गए और हम फूफा जी बन गए, मदर बन गए। और दोस्तों 1 लाख सब्सक्राइबर्स जल्दी ही पूरा हो जाएंगे, तो आप सभी को अपने फैमिली से मिलाने का हम वादा किए हैं, तो जल्द ही मिलाएंगे आप सभी को, है ना। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखेंगे, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग में, तब तक के लिए।